Well, this is a very excellent moment, a very surprising moment for everyone, for Balochistan players. Because Balochistan, mashallah, these 2 years, बहुत से players के लिए successful रहा है. Players को बहुत support मिल रही है, चाहे government से हो, चाहे private organisation से हो, जो भी हो. लेकिन हम players को appreciation की बहुत ज़रूरत है. तो I feel so proud and I feel so excited that the क्योंकि इन्होंने हमें ये उम्मीद दी है कि ये ऐसे programs होते रहेंगे और players को हम गुमनाम नहीं रखेंगे और players को highlight करेंगे. Thank you so much. जी, ये जो आज award हुआ था, ये बहुत अच्छी तकरीब थी. मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आया, मुझे भी award मिला और जो बलोचिस्तान के और भी stars हैं उनको भी award मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई. अगर हमारे stars को इसी तरह सामने लाया जाएगा, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, तो बलोचिस्तान भी किसी से कम नहीं और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे. जी बिल्कुल, ये एक अवार्ड सेरेमनी जो हमारे चैंपियंस हैं जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बलूचिस्तान का नाम रोशन किया, उनके लिए तो एक बहुत अच्छा एक इवेंट है. ये करना चाहिए, हर साल करना चाहिए, ताकि हमारे जो चैंपियंस हैं उनको एक करेज मिले, एक मतलब उनको एक अच्छा पॉजिटिव वो मिले, ताकि वो आगे भी अपना जो है कंट्री को प्रेजेंट कर सके और उनको फ़ख्र पाकिस्तान के लिए ला सके. तो ये बहुत अच्छा इवेंट था और मैं सब अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं और जो मेरे टीचर्स हैं ये उन सब का आता है इसमें, तो मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ. सर, सबसे पहले तो मैं थैंक्स अदा करूँगी माइके के फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे एजाज दिया. और इंशाल्लाह जैसे कि हमें बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए एज अ रेफ काम कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट वुमन रेफरी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसने फीफा फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर किए. और नेक्स्ट भी आगे हमारे इवेंट्स होते रहेंगे, कोर्सेज अभी हमारे आगे होंगे. इंशाल्लाह पाकिस्तान से हम आगे कोशिश करेंगे कि हम क्वालिफाई करें.